Good morning everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to talk about agencies of education. It is a very important topic in our syllabus and we mostly get a 5 marker or a 10 marker question from this topic. So let's begin. What exactly agencies of education are? Society has established and developed institutions for achieving the modification of behavior and passing on cultural heritage to the successive generation. These specialized institutions which carry out these functions of education are called sources or agencies of education. Basically, it means कि हमारी society ने कुछ ऐसी institutions बनाए हैं या establish करी हैं जो हमारा behavior modify करती हैं, जो हमें cultural heritage सिखाती हैं और हमें cultural society में रहना सिखाती हैं और हमें यही cultural heritage अपनी successive generation को pass करना सिखाती हैं. इन्हीं चीज़ों को जो कैरी आउट करते हैं इंस्टीट्यूशंस, उन्हें या तो सोर्सेस या फिर एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहा जाता है. मूविंग ऑन, क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. सो बेसिकली हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज फॉर्मल एजेंसीज, सेकेंड इज इनफॉर्मल एजेंसीज एंड द थर्ड वन इज नॉन फॉर्मल एजेंसीज. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मल एजेंसीज. Formal agencies of education are those institutions and organizations which are set up by the society deliberately with the exclusive aim imparting definite and ready-made tidbits of knowledge in a specified time under a structured environment. There are well-defined aims and objectives, specific curriculum, definite teachers and students, definite and fixed time and place in such agencies, in short everything. Or every aspect of education are pre-planned or planned in advance. Such agencies include school, college, university, library, religious institution, etc. जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, formal agencies of education एक तरीके से वो institutions होते हैं जिसमें set type of syllabus और curriculum होता है. इसमें जो बच्चे या जो भी people हैं वो एक स्पेसिफाइड एज तक ही अपनी नॉलेज ले सकते हैं. उसके बाद इसमें हमेशा रेडीमेड टिडबिट्स ऑफ नॉलेज को ही पास किया जाता है. फॉर एग्जांपल द बुक्स, द करिकुलम. इसका पढ़ाई का हमेशा एक वेल डिफाइंड एम और ऑब्जेक्टिव होता है. यहाँ पे एक डेफिनेट टीचर होती है और डेफिनेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं. इन शॉर्ट एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड ऑलरेडी इन एडवांस. फॉर एग्जांपल इन स्कूल्स, आपके हर स्कूल में आप थ्री और थ्री एंड हाफ ईयर्स में एडमिशन लेते हैं और जब तक आप 18 ईयर्स के होते हैं आपकी स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाती है. तो आप एक सेट एज होता है आपका जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और जब आपकी स्कूल लाइफ ख़त्म होती है. हर क्लास में आपका एक सेट सिलेबस होता है, सेट नंबर ऑफ बुक्स होती हैं जिससे आप लोग पढ़ाई करते हैं. हर क्लास में 35 to 40 चिल्ड्रन होते हैं और उनके साथ एक टीचर होती है. दैट मीन्स स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टीचर एंड अ स्टूडेंट. एंड उसके बाद इन स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़, ये जो है रिलीजन इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा हैं, इन सब का एक ही एम होता है कि टू इम्पार्ट ऑलरेडी मेड इंफॉर्मेशन. जो हमारे करिकुलम में होता है, जो हमारे एक्स्ट्रा करिकुलम में होता है, हमें उतनी ही नॉलेज मिलती है. बेसिकली दैट मीन्स बुकिश नॉलेज. It is planned with particular end in view. It is limited to a specific period, well-defined and systematic curriculum given by specially qualified teachers, include activities outside the classroom, observe strict discipline. So let's go point by point. Planned with a particular end in view. इसका मतलब ये है कि आप अगर 7th में हैं तो आपका जो curriculum होगा वो इस level पे होगा या इस तरीके से plan करा होगा ताकि आप 8th standard के लिए prepare हो जाए. तो एक एंड आता है हर सिलेबस का हर क्लास में, तो वो एंड इसी वजह से आता है ताकि आप नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाए. लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड. आप एक ही साल एक क्लास में रहते हैं और जैसा कि मैंने बताया, अगर 3 से 3.5 साल में आप अपना एडमिशन लेते हैं तो दैट मीन्स यू विल गो आउट ऑफ द स्कूल व्हेन यू आर ईदर 17 or 18. यू हैव अ वेरी वेल डिफाइंड एंड सिस्टमैटिक करिकुलम. दैट मीन्स दैट यू हैव अ वेरी सिस्टमैटिक करिकुलम. यू नो दैट इफ इट इज़ माई फर्स्ट पीरियड तो फर्स्ट पीरियड में मेरा मैथ्स क्लास है, सेकेंड पीरियड में मेरा पी टी क्लास है, थर्ड पीरियड में मेरे को लाइब्रेरी जाना है. इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड एंड सिस्टमैटिक.
इट इज़ गिवन बाई स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स. मैथ्स के लिए आपकी अलग क्वालिफाइड टीचर होती है, आपकी हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आपको अलग टीचर होती है, इंग्लिश के लिए अलग टीचर होती है. इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम, दैट मीन्स द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दैट वी पार्टिसिपेट इन, एंड इट ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सेट सूट ऑफ रूल्स, सेट सूट ऑफ द यूनिफॉर्म दैट वी वेयर, एंड एवरी काइंड ऑफ डिसिप्लिन दैट वी यूजली फॉलो इन स्कूल. So this is exactly what I meant, planned with a particular end in view. It is given in school, college and similar other institutions which are established with one purpose. In this way, it is direct schooling, instruction and tuition. Limited to a specific period, it provided according to certain regulations. Well-defined and systematic curriculum. This curriculum is based on certain aims and objectives. These aims are in conformity with the needs of the society. Given by specially qualified teachers, includes activities outside the classroom, observes strict discipline. These are the points which I have already explained to you in a well better manner. Next, we are going to talk about formal education in special education. As you know, अभी तक मैं जितनी बात कर रही थी वो मैंने normal schools की बात कर रही थी, but since we are special educators, we should also know about special education. So special education is the practice of educating students in a way that addresses their individual differences and needs. जैसे कि सबको पता है जो हमारे children with special needs होती है उन सबकी individual differences होते हैं, कोई एक समान नहीं होता है and सबके अलग अलग needs होती हैं, किसी की कोई needs होती है, किसी की sensory needs होती है, etc. तो स्पेशल एजुकेशन इज़ अ प्रैक्टिस, एक तरीका है जिससे हम अपने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को एजुकेट करते हैं, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नीड्स, इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हैं. इन फॉर्मल एजुकेशन स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स आर लाइकली टू गेट डिफरेंट अप्रोचेस टू टीचिंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली अडाप्टेड टीचिंग एरिया और रिसोर्स रूम, इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड सेटअप. जैसे कि सबको पता है स्पेशल स्कूल्स या तो इंक्लूसिव होते हैं या इंटीग्रेटेड होते हैं. सबको डिफरेंट अप्रोचेस टू टीचिंग मिलती है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के, हर बच्चा डिफरेंट होता है, इस वजह से उनको पढ़ाने के बीच जो अप्रोचेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. हम टेक्नोलॉजी ज़रूर यूज़ करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वी नो दैट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स नीड टेक्नोलॉजी, दैट वेरी डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, दे नीड विजुअल एड्स, दे नीड ऑडियो एड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. स्पेसिफिकली अडाप्टेड टीचिंग एरिया, कुछ ऐसे अडाप्टेड टीचिंग एरिया होते हैं जिसमें उनका सेंसरी नीड्स भी कम्प्लीट हो पाए. अगर किसी बच्चे को फॉर एग्जाम्पल लाउड नॉइसेस से कोई प्रॉब्लम है तो उसको नॉर्मल क्लासरूम से हम लोग ऐसा सेंसिटाइज कर सकते हैं, ऐसे सेंसिटाइज कर लेते हैं उस क्लासरूम को ताकि उस बच्चे को उसकी सेंसरी नीड्स पूरी मिल पाए. एक रिसोर्स रूम होता है और ऑब्वियसली इंक्लूसिव या इंटीग्रेटेड सेटिंग होती है. अ स्पेशल स्कूल, it is a school catering for students who have special educational needs due to learning difficulties, physical disabilities or behavioral problems. Special schools may be specifically designed, staffed and resourced to provide appropriate special education for children with additional needs. Students attending special schools generally do not attend any classes in mainstream schools. So this is what a special school is, जिसमें हमारा जो स्कूल है वो हमारे स्टूडेंट्स की नीड्स को कैटर करता है, मतलब उनकी नीड्स को ध्यान रखता है और उनको पूरी करता है और उनको प्रोवाइड करता है जिन्हें लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है या कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं. स्पेशल स्कूल्स बहुत स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होते हैं, उनका जो स्टाफ और रिसोर्स होता है वो इस तरीके से होता है जो हर स्पेशल हर बच्चे को प्रोवाइड कर सके अप्रोप्रिएट स्पेशल एजुकेशन. स्टूडेंट्स अटेंडिंग स्पेशल स्कूल्स, कुछ बच्चे होते हैं जो हमारे नॉर्मल इंक्लूसिव या मेन स्ट्रीम इंटीग्रेटेड स्कूल्स में नहीं जा पाते हैं, तो जो वो बच्चे होते हैं वो हमारे स्पेशल स्कूल्स ही अटेंड करते हैं. स्पेशल स्कूल्स प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज एजुकेशन एड्रेसिंग स्पेसिफिक नीड्स. ऑफ कोर्स स्पेशल स्कूल जो होते हैं वो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. हम हर बच्चे की IEP फॉर्म्स करते हैं एंड उसके हिसाब से हम उसका व्हाट, व्हाई, वेयर, सारी जितनी नीड्स होती हैं, जितने क्वेश्चंस होते हैं, हम उस सबको कैटर करते हैं, एड्रेसिंग देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑल्सो.
Students to teacher ratio are kept low, often 6:1 or lower depending upon the needs of the children. If the children are high functioning they are of same level, then हम लोग 6 students with 1 teacher एक class में रखते हैं. Otherwise, अगर कुछ behavioral issues होते हैं तो हम लोग lower भी कर सकते हैं हमारा ratio. That means 4:1 कर सकते हैं. Special schools will also have other facilities for children with special needs, such as soft play areas, sensory rooms, swimming pools, which are necessary for treating students with certain conditions. Now we all know that the children with special needs already have sensory issues. They need OT, they need their sensory diet from time to time. तो स्पेशल स्कूल में उनके लिए सॉफ्ट प्ले एरियाज होते हैं, सेंसरी रूम्स होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं और बहुत सारी अदर स्पेसिफिकली स्पेशलाइज चीज़ें होती हैं हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, विच आर वेरी नेसेसरी फॉर ट्रेनिंग आर स्टूडेंट्स एंड ट्रीटिंग आर स्टूडेंट्स कंडीशंस. A student may receive accommodations and modifications, for example, shorter and simpler assignments. अगर कोई बच्चा है जिसे बहुत लेंथी काम नहीं होता है या फिर उसको सेटिंग बिहेवियर है, ही कैन नॉट सिट मोर देन 5 minutes, तो हम उसको शॉर्टर और सिंपलर असाइनमेंट्स देंगे सो दैट ही डजेंट शो द बिहेवियर. Skipping subjects. If a child is of learning disability, we can skip the subject. For example, someone has dyscalculia, हम उसके लिए math subject skip कर सकते हैं and instead जो भी school में other option होता है, for example computers और arts, जिसमें वो बच्चा अच्छा है, हम उसे वो subject दिलवा सकते हैं. Extra aids. Extra time. Response accommodation, presentation accommodation. Extra aids में हम बच्चे को already, for example, अगर बच्चे को pencil gripping में problem होती है तो हम उसको pencil grippers देते हैं, pencil को thick कर देते हैं tapes लगा के, and we do many of the things so that बच्चा जो है वो pencil अच्छे से hold कर सके. Extra time. If a child is slow but he knows how to work, we give him extra time too. Response accommodation and presentation accommodation, obviously iPads, computers, keyboards which are specifically designed for special students are also used so that the student may feel comfortable or feels good or happy about doing the work and he doesn't throw any tantrums. Now we will talk about the informal agencies. So the informal agencies are those institutions which exercise a great educative influence upon the individuals indirectly and seriously throughout their life. They are called indirect agencies influencing the behavior of the individual. Education is provided to the individuals informally and unconsciously. These agencies lack all formalities, rules, systemizations, pre-planning, premeditation or training. As you all know, informal agencies के नाम से ही कुछ पता चल गया होगा कि ये वाली agencies जो होती है, that means it is life. हम बाहर जाते हैं, हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. तो it goes on throughout our life. ऐसा नहीं है कि हमारी किसी भी specific age में बंद हो जाता है या इसका कोई specific curriculum है या हमारा कोई specific सिलेबस है जिसे हमें फॉलो करना ही करना है या हमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं. ऐसा नहीं होता है. इनफॉर्मल एजेंसीज बेसिकली आर कल्चर. हमें अपने कल्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आर लाइफ हमें हमारी खुद की ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है या सिचुएशंस बहुत कुछ सिखाती हैं. आप हमेशा बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ सीख कर आते हैं. तो दैट इज़ आप और ये एजुकेशन आप बाहर इसलिए नहीं जाते हैं कि आपको ऐसा लगे कि अरे मैं बाहर जाऊँगा तो हमें कुछ सीख कर आऊँगा. ये सब बहुत डिलिबरेटली नहीं होता है. इट इज़ वेरी स्पन्टानियस एंड इंसिडेंटल. आप कुछ भी कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं. सो दिस इज़ वॉट इज़ नोन एज इनफॉर्मल एजुकेशन. Now we will talk about non-formal education and this is the last agency of education. Non-formal education is one of the recent concepts getting into use. Indian involvement in non-formal education has increased as a result of our interest in making education a lifelong affair than a matter of formal schooling. Highlights derived from the expression formal education outside the realm of formal education. Unlike informal education, which is unstructured, spontaneous, and without formality, non-formal education would be structured and planned, but outside realm of formal education.
Any organized systematic education activity carried outside the framework of the established formal system, whether operating separately or as an important feature of some broad activity that is intended to serve identifiable learning and learning objectives. It is conscious and deliberate to be organized for a homogeneous group serving the need of the identified group. So basically what this is, non-formal education is, I'll give you the most simplest example. We all know about IGNU. It is at Indira Gandhi National Open University, जिसमें आप किसी भी एज में जाके आप अपनी डिग्री ले सकते हैं. Now, what happens in IGNU or any open institution is हम लोगों को regular classes attend नहीं करनी होती है. Though we have a specific syllabus, we have a specific period, we have a structured syllabus, but and we have to give exams as well usko syllabus ko follow karke, but it is not necessary to attend those classes, and it is not necessary that you should be of age, of the specific age to get any degree or something. Once you have completed your high school or your schooling, once you have completed your 12th standard, you can opt for IGNU, or later on also in life, if you feel like imparting more knowledge or gaining more knowledge, you can go to IGNU and fill the form out, and you can do masters, bachelor's, any degree that you want. So this is what is main difference in formal education and non-formal education. So here I am talking about non-formal education and special education. We are all familiar with the term NIOS, or the National Institute of Open Schooling. It was formerly National Open School and is the Board of Education under the Union Government of India. It was established by the Ministry of Human Resource Development of the Government of India in 1989 to provide education to all segments of society under the motive to increase literacy and aim forward for flexible learning. Children with disabilities having problem in facing or coping up with classroom situations, or the children for whom curriculum has to be extensively altered, are given the opportunity to carry out their academic achievements through NIOS, which also is carried out in two different forms. The first is set up of special rooms or classrooms within the school, regular or special school, weekly or monthly classes organized in some other school or institution. Basically, NIOS is just like IGNU, but just for the disabled kids or the children with special needs. The students जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपना जो सिलेबस या curriculum है उनके हिसाब से alter करवाने की या change करवाने की, या उन्हें classroom situation में cope करने में problem आती है, या they face a lot of difficulties, उनके लिए NIOS is the best option. अब NIOS जो है वो दो तरीके से चलता है. द फर्स्ट इज़ लाइक नॉर्मल स्कूलिंग. आपके एक नॉर्मल स्कूल में या आप एक स्पेशल स्कूल में या किसी स्कूल में एक स्पेशल क्लासरूम होगी जिसमें सारे NIOS के स्टूडेंट्स होंगे, और आप तो NIOS के जो करिकुलम है, सिलेबस है, उसके हिसाब से स्टडी करा जाता है एंड एवरीथिंग. एंड जो सेकेंड चीज़ होती है वो होती है वीकली या मंथली क्लासेस ऑर्गेनाइज इन सम अदर स्कूल और इंस्टीट्यूशन. इट जस्ट लाइक अ सेंटर वेयर यू नीड टू गो एंड स्टडी. सो व्हाई इट वाज सेट अप? इट वाज सेट अप बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु आर बीइंग वोकेशनली ट्रेन्ड, so that they can have a job, they can have a sense of independency, and they can earn for themselves along with the studies. Now earning or getting a job and studies cannot go hand in hand, so that is why NIOS or the schools organize weekly or monthly classes for them, where they need to go and attend the classes. Like if you have no work on Saturdays and Sundays, then these children go to those centers on Saturdays and Sundays to conduct those sit there to study and to take those classes for NIOS. By this they are also doing their vocational training, and their vocation is also going on, and on the other hand their studies are also going on. So it is a very good opportunity for our children with special needs. So this is it. My name is Riya Rastogi. I'm signing off now. I hope you liked the PPT, and I hope you understood the topic very well.